दोस्तों, अगर आप जीरोधा में, अपस्टॉक्स में, फाइव पैसा में, फायर्स में और आस्था ट्रेड में अकाउंट ओपन करवाना है तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिए। अगर आप इनमें किसी में भी अगर आप अकाउंट अपना ओपन करवाते हैं हमारे अंडर में, तो हम आपको 10,000 का जो हमारा कोर्स मटेरियल है वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। प्लस मैं आपको अपने ग्रुप में ज्वाइन करूँगा, जहाँ पर मैं डेली आपको 3 से 4 इंट्राडे की कॉल्स दूँगा, जिसपे आप ट्रेड करके एक अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। तो गुड इवनिंग, मैं राधे अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक लेके आया हूं, जो शॉर्ट टर्म में आपको 10% का रिटर्न देने की ताकत रखता है और वो बहुत तेज़ी से भाग रहा है दोस्तों। तो हम आपको दिखाएंगे कि इसमें ये 10% का रिटर्न क्यों देने वाला है हमें और क्या फैक्ट हैं कि जिससे हम इसको 10% के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो ये 10% देने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, ये लगभग 15 दिन से 1 महीने के बीच में आपको 10% का रिटर्न दे देगा। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा मेरी कुछ वीडियो पास्ट की, उसमें मैंने जो भी स्टॉक दिए हैं 5 से 10% का रिटर्न देता हूं मैं, जो स्विंग ट्रेड होता है। तो स्विंग ट्रेड में आपको स्टॉक देता हूं जो भी, तो उसमें 1 महीने 15 दिन या 1 हफ्ते के बीच में ही आपको 10 से 15% का रिटर्न मिल जाता है। तो उसी टाइप पर एक और मैं बैंक लाया हूँ, ICICI बैंक का। देखिए जो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है 407, जो 52 वीक इसका हाई है, अब तक ये 407 रुपये का लेवल टच नहीं किया था कभी, आज पहली बार टच किया है कल, मतलब यस्टरडे। ठीक है, तो इसमें आप देखते हैं कि इसने जो अपना प्रीवियस हाई था इसका, यहाँ रेजिस्टेंस भी छोटा सा था, एक देखिए कुछ इसका ये रेजिस्टेंस था 402 रुपये का, वो वहाँ से गिर के ये यहाँ पे 20 डे की मूविंग एवरेज पे इसने सपोर्ट बनाया था। तो फिर यहाँ से इसने हल्का सा सपोर्ट बना के ये उसको पिछले वाले जो रेजिस्टेंस था इसका, इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ 407 रुपये पे सक्सेसफुल क्लोजिंग दे दी है ICICI बैंक। ठीक है दोस्तों, तो हम इसके लॉन्ग टर्म में भी देखते हैं कि ये चार्ट कैसा है, हमारे हिसाब से चलता है कि नहीं। ये चार्ट जैसा हमको चाहिए 45 डिग्री एंगल में बनाता हुआ चार्ट चलता है, उसी में हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, आप लोग को पता है। वैसे ही स्टॉक मैं ढूंढ के लाता हूँ आप लोग के लिए, और जो बहुत ज़्यादा अप डाउन करके स्टॉक जिगजैग जैसे रहते हैं, तो उसमें मैं शॉर्ट टर्म के स्टॉक्स आप लोग को कम देता हूँ। तो ऐसे स्टॉक 45 डिग्री एंगल वाले स्टॉक भी ढूंढना बहुत मुश्किल का काम होता है लोगों दोस्तों, लेकिन आप लोगों का इतना प्यार है, इतना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे कि मेरा चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले। तो इसीलिए मुझे भी मेहनत करने में अच्छा लगता है, और आप लोग के लिए अच्छा अच्छा स्टॉक ढूंढ कर लाने में कितने भी मेहनत होती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, क्योंकि आप लोग इतना जो मुझे प्यार करते हैं, जितना सपोर्ट करते हैं, मेरा चैनल इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है कि हमने अभी 2 महीने पहले चैनल चालू किया था और आज हमारे साथ कितने सैकड़ों लोग जुड़ चुके हैं दोस्तों। तो देखिए अभी इसमें हमें क्यों एंट्री लेना है, जबकि लोग बोलते हैं कि 52 वीक हाई पे आपको एंट्री नहीं करना चाहिए कभी भी, स्टॉक गिरा हुआ हो तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जो 52 वीक हाई बनाता है तो उसमें आप निवेश नहीं कर सकते। तो हमें इसमें निवेश नहीं करना है, हमें स्विंग ट्रेड करना है, जो कि हम 5 से 10% का रिटर्न लेके यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। तो देखिए ये हम क्यों बता रहे हैं आपको कि यहाँ पे एंट्री लेना है हमें 52 वीक हाई पे। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारी पर्पल कलर की लाइन है, ये ब्लू कलर की लाइन, वह 20 डे का EMA है। इसके बाद देखिए ये पर्पल कलर की लाइन है जो 9 डेज़ का EMA है, और ये देखिए पिंक कलर की जो लाइन है वो 5 डेज़ का EMA है। तो देखिए हम तीनों मूविंग एवरेज से ऊपर हैं। देखिए हमारा पर ये ब्लू कलर का लाइन जो 20 डे का EMA है वो 291, जो इससे हम ऊपर हैं 407 रुपये। इसके बाद देखिए ये 3 जो 9 डेज़ का EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आपको बता देता हूँ EMA का फुल फॉर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, आप मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं। तो EMA जो होता है ना वो थोड़ा मुझे बेटर लगता है, इसलिए मैं उसको यूज करता हूँ। तो देखिए जो 9 डेज़ का EMA है वो 93.95 पे चल रहा है, जिससे हम आज भी ऊपर हैं, और जो हमारा ये पिंक कलर की लाइन है ये वाली, वो 5 डेज़ का EMA है, जो कि 397 पे आ रहा है, आज हम उससे भी ऊपर हैं। तो इसमें तेज़ी बनी हुई है दोस्तों, कुछ यहाँ से देखिए तेज़ी बनी है, जब से ये मार्च चालू हुआ है तो उस टाइम ये 355 रुपये का था, अब वहाँ से ये 407 रुपये का लगभग ये हमें 30 से 40% का रिटर्न दे चुका है मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर। ठीक है, देखिए 45 डेज हुआ अभी पूरा टोटल, और उसमें हमें 15% का रिटर्न दिया है इसने। ठीक है, तो इसमें देखिए हमें अगर एंट्री करना हो तो इसमें हमें जितना नीचे मिले उतना अच्छा है। अगर 400 पे तो हमें बाई करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये स्टॉक आपको 400 रुपये पे मिलेगा, तो हम इसको 405 पे हम अपना ऑर्डर लगा के रखेंगे, कल ही हम अपना माल उठाएंगे इसमें 405 रुपये पे। और हमें रखना कब तक है कि 15 से 20 दिन रखना है,
और यहाँ से 10%, मतलब 400 रुपये का स्टॉक है और 10% हुआ उसका 40 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे 405 रुपये हम एंट्री करेंगे और 445 में 445 रुपये में हम एग्जिट हो जाएंगे, स्टॉक कहीं जाए या ना जाए। तो दोस्तों हमें देखिए अपना प्रॉफिट तो बुक करना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि हमारा वो स्टॉक वापस जाके वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आए और स्टॉक नीचे गिर जाए तो हम जो हमारा प्रॉफिट रहेगा वो भी चला जाएगा। तो स्विंग ट्रेडिंग में ये होता है कि 5 से 10% आप अपना टारगेट रखिए, बस उतना लेके आप निकल जाइए, स्टॉक जहाँ जाता है उसको जाने दीजिए, हमें कोई लेना देना नहीं, फिर हम नेक्स्ट स्टॉक अगला स्टॉक पकड़ेंगे दूसरा कोई, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक अगर पकड़ते रहते हैं तो हर महीने में अगर आप अपनी कैपिटल का 10 एक कॉल में भी अगर आपको 10% का रिटर्न मिल गया तो हर महीने अगर आप 10% का भी रिटर्न निकालते हैं तो साल में आपको 120% का रिटर्न निकलेगा। तो सोचिए आपके पास अगर इसको कंटिन्यू फॉलो करते रहे और इसमें आप CAGR रिटर्न जोड़ते रहे ना तो 10 साल में आप करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, ठीक है। लेकिन ऐसा लोग करते नहीं है क्योंकि लोग लालच में पड़ जाते हैं और एक से ज़्यादा 10-10 ट्रेड करने लगते हैं एक महीने में शॉर्ट टर्म की। तो उसमें अगर 3-4 पास हुए और बाकी दो तीन भी अगर फेल हो गए अच्छे से ना तो पूरे 10 के प्रॉफिट खा जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, हमें 5 से 7%, 10%, 8% ऐसे ही रिटर्न लेके हमें एग्जिट कर देना है, स्विंग ट्रेड में इतना ही रिटर्न काफ़ी है। तो दोस्तों इसमें अगर आप 405 में मिलता है ये स्टॉक तो 405 में बेशक इसमें एंट्री ले सकते हैं और 15 से 20 दिन में ही आपको ये 445 का लेवल आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको अपने पिटारा पे लेके चलता हूँ इसी स्टॉक को और वहाँ पे देखते हैं कि इसने लॉन्ग टाइम फ्रेम पे हमें कितना रिटर्न दिखाया है दिया है आज तक, जैसा कि हम सभी स्टॉक में आप लोग को दिखाता हूँ। उससे क्या होता है कि स्टॉक की ऑब्जर्वेशन जो होती है वो पकड़ होती है वो अच्छी होती है कि इसने हमें अगर लॉन्ग टर्म में रिटर्न दिया है तो हमारे पैसे डूबेंगे नहीं, क्योंकि स्विंग ट्रेड हम ऐसे स्टॉक में आप लोगों को करवाते हैं कि बाय द वे हमारा टारगेट ना आए तो भी आपके पैसे डूबेंगे नहीं। और मैं छोटे मोटे स्टॉक में जल्दी जल्दी क्या 99% मैं देता ही नहीं हूँ आप लोगों को आलतू फालतू वाले स्टॉक्स में, ठीक है। अच्छे स्टॉक में हमेशा आपको स्विंग ट्रेड देता हूँ जिसमें आपके पैसे सेफ रहे, क्योंकि आप मेरे ऊपर भरोसा करके अगर स्टॉक में आप पैसे लगाते हैं दोस्तों तो वो पैसे अगर आपका लॉस होता है मेरे वजह से तो मुझे बहुत दुख होता है दोस्तों। तो चलिए उसको आपको इस स्टॉक का रिटर्न दिखाते हैं लॉन्ग टर्म पे अपने पिटारा पे। दोस्तों मैंने खोल लिया है ICICI बैंक को अपने पिटारा पे, तो इसमें देखिए 1 वीक में हमें दिया है 2% के पॉजिटिव रिटर्न, ठीक है। और देखिए 2 वीक में हमें 3% का रिटर्न दिया है और 1 मंथ में देखिए 2.26% का रिटर्न दिया है हमें 1 मंथ में, जो कि पॉजिटिव है अभी तीनों टाइम फ्रेम पे। और 3 मंथ में देखिए इसने 8% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं और 6 मंथ में देखिए 26% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, बहुत अच्छा रिटर्न है 26% का। और ईयर टिल डेट मीन्स 1 जनवरी 2019 से लेकर अब तक इसने 13% का हमें रिटर्न दे दिया है और एक साल में देखिए 41% के, माय गॉड जबरदस्त, देखिए 41% के जबरदस्त रिटर्न है इसके एक साल के अंदर। और 3 साल में देखिए इसने आपके पैसे को लगभग दोगुना कर दिया है, 85% का रिटर्न है इसका 3 साल में। और 5 साल में देखिए 83% का रिटर्न है, जो थोड़ा सा कम दिख रहा है मुझे। और 10 साल में इसके रिटर्न देखिए 400% के है, मतलब 10 साल में इसने आपके पैसे को 4 गुना कर दिया। अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया होता 10 साल पहले तो आज आपके पैसे 5 लाख रुपए हो गए होते, 4 लाख रुपए रिटर्न और 1 लाख रुपए आपका जो अमाउंट था जो आपकी कैपिटल आपने लगाया था ICICI बैंक में वो था 1 लाख, वो 4 लाख आपका रिटर्न प्लस डिविडेंड अलग से उसमें, तो आपके लगभग 5 लाख से ऊपर अमाउंट हो गए होते। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसमें शॉर्ट टर्म के वीडियोस और इंट्राडे बैंक निफ्टी FNO सब टाइप के स्ट्रेटेजी अपने चैनल पर लाता रहता हूँ हमेशा और डेली मैं 1 से 2 वीडियो शाम के टाइम पर अपलोड करता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।